नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा के ट्रैफिक पुलिस द्वारा नो पार्किंग जोन में खड़े होने वाले वाहनों के खिलाफ की जा रही कार्रवाइयों के बीच आज रीवा जनपद अध्यक्ष की कार भी ट्रैफिक पुलिस की जद में आ गई। जनपद अध्यक्ष ने अपनी कार को डीआईजी ऑफिस के सामने पार्क किया था, जो कि नो पार्किंग जोन में खड़ी हुई थी। सूचना मिलते ही ट्रैफिक थाने के सूबेदार ने मौके पर पहुंचकर पहले तो कार को ले जाने के लिए क्रेन को बुलाया, लेकिन कार के ड्राइवर के आने के बाद उसे ड्राइवर की मदद से ही थाने ले जाया गया है। हालांकि इस कार्रवाई के दौरान जनपद अध्यक्ष ट्रैफिक पुलिस का सहयोग करते ही नजर आए हैं। दरअसल यह कार्रवाई आज उस वक्त हुई जब रीवा जनपद अध्यक्ष राजेश यादव किसी काम से डीआईजी कार्यालय पहुंचे थे, जहां उनकी कार ऑफिस के बाहर ही पार्क की गई थी। मौके पर पहुंचे ट्रैफिक सूबेदार ने नो पार्किंग जोन में खड़ी कार को ले जाने के लिए जब क्रेन बुलवाई तो कार का चालक मौके पर पहुंच गया, जिसके बाद ट्रैफिक पुलिस ने चालक को यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई करने की बात कही और चालक की मदद से ही कार को थाने भेजा गया। ट्रैफिक सूबेदार ने बताया कि मामले में नो पार्किंग जोन के साथ साथ कार में लगे हूटर की भी जांच कर नियम विरुद्ध पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि सूबेदार को इस बात की जानकारी नहीं थी कि नो पार्किंग में जो कार खड़ी है वह किसकी है। मीडिया कर्मियों ने जब कार के संबंध में जानकारी दी तो उन्हें उच्च अधिकारियों से मार्गदर्शन प्राप्त कर कार्रवाई करने की बात कही है। फिलहाल कार को जब्त कर थाने ले जाया गया है। अभी सूचना मिली थी कि एक गाड़ी नो पार्किंग जोन में खड़ी है, फॉर्चुनर गाड़ी, उसको क्रेन बुलवाई गई तो ड्राइवर आ गया है। ड्राइवर के साथ में अपने सहायक उपनिरीक्षक को बैठा के थाने भेज दिया गया है। किसकी गाड़ी खड़ी थी ये? अभी उसकी डिटेल पता की जाएगी किसकी गाड़ी है ये, उसमें हूटर भी लगा था, पता करते किसकी गाड़ी, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। निकलवाया जाएगा, अवैध है कि निकलवाया जाएगा। बताया जा रहा जनपद अध्यक्ष हाँ, वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर जो भी आदेश होगा वो करवाया जाएगा। देखा जाता है डीआईजी कार्यालय के आसपास पूरा नो टोलिंग जोन, उसके बाद भी गाड़ियां खड़ी होती है। देखिए, हम लोगों ने कोशिश की, हमने अपने अधिकारी लगा रखे, लोगों को जागरूक होना चाहिए कि कम से कम नो व्हीकल जोन पे, नो पार्किंग जोन पे गाड़ियां तो नहीं खड़ी करें। ऐसा खड़ी करते तो साप्ताहिक या पर डे के हिसाब से हम क्रेन भेज के कार्रवाई करवाते हैं। इसमें क्या कार्रवाई हो सकती है? इसमें नो पार्किंग जोन के अंदर खड़ी होने के अंतर्गत 500 का जुर्माना है। दूसरा, हूटर अगर अवैध है, हूटर लगाने का अधिकार इनको नहीं है, तो फिर 3000 का जुर्माना है।